आपसे बात करना चाहते हैं जी। ले जाइए कैमरा उन पे। और जी भाई, आपने क्या बात करनी है जी? समर अब्बास। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नसरु मिनल्लाहिल फतहुन करीब। इंशाल्लाह, कुरान कहता है कि सच्चे मुसलमान का फतह मुकद्दर है। तो मैं आंखों से नाबीन हूँ, सबसे पहले तहरीक इंसाफ को सलाम, फैसल भाई को, सारी संगत, मेरे दोस्त बहबाब को सलाम, और इमरान खान साहब, अगर आप अपनी आंखों से मुझे देख रहे हैं तो आप मुझे सलाम का जवाब दें, फिर मैं बात करता हूँ आपसे। जी वालेकुम सलाम। आपका ख्वाब है, मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं अकेला सखर से आया हूँ, मैं नात पढ़ता हूँ, और मेरे दिल में पंचतन पाक की मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत है, उसके बाद आपकी मोहब्बत है। तो खान साहब, आपसे मिलने के लिए मैं आया हूँ। आपका ख्वाब मुल्क के लिए, मेरा ख्वाब आपसे मिलने के लिए है। मैं ट्रेन के जरिए, मुझे सीट बैठने के भी नहीं मिली थी, मैं ओपन टिकट कटवा के किसी दोस्त से उधार लेके आपसे मिलने के लिए आया हूँ। रात से जागा हुआ, अभी तक नहीं सोया हूँ। आपके लिए मैं गिफ्ट भी लेके आया हूँ सिंध से, छोटी सी जो मेरे मुकद्दर में और जो मेरी हैसियत थी, वो मैं आपको गिफ्ट भी देना चाहता हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ। अगर मैं ऐसे गया तो जो सिंध में आपके मुखालिफ हैं और जिसके मुखालिफों के बीच में मैं रहता हूँ, वो मुझे कहेंगे कि आप मिलने गए थे, आपको तहरीक इंसाफ वालों ने इमरान खान के साथ मिलने भी नहीं दिया गया। तो मैं सखर से आया हूँ, मेरा ख्वाब आपसे मिलने के लिए है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं इंशाल्लाह बाकी आपके सामने बातें करूंगा। मैं खुद नात खान हूँ, अगर टाइम है तो मैं इधर भी नात सुना दूं, वरना आपको सामने सुना दूंगा। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको इसलिए नहीं मिलूंगा कि वो आपके सिंध के लोग, अगर आप, मैं आपको ना मिला तो वो आपके मुतल्लिक क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों की कभी आपको परवाह नहीं करनी चाहिए। लोगों को खुश करने की कोशिश ना किया करें, अल्लाह को खुश करें, अवाम खुद ही खुश हो जाती है। लेकिन इंसानों को आपने खुश करने की कोशिश की तो वो तो आप सारी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजारेंगे, यानी एक मायूस ही राह करेंगे सारा वक्त। मैं कभी लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं करता या वो बातें नहीं कहता जो लोग जिससे खुश हो। मैं अपनी एक मिशन अल्लाह के लिए कर रहा हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो मर्ज़ी मेरे मुतल्लिक कहे, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत तो आप, हम सब जानते हैं कि उसके हाथ में है। देखिए, मैं इंशाल्लाह आपको कल मैं आपसे मुलाकात करूँगा, और आपने फैसल जावेद ने आपका नोट कर लिया, तो मैं इंशाल्लाह कल आपको मिलूँगा।